मोदी जी जो 2014 से जो गेम चल रहे हैं, आज उनका विपरीत बदलाव दिख रहा है। और मीडिया से तो खास तौर पे अपील करना चाहूँगा, जो आज वो खुद भी अपने न्यूज और अपने एंकरों से जरा ये सवाल तो करे, ये कल तक हो क्या रहा था, और आज का माहौल देख के तो वो खुशी है जो वाकई में ये बदलाव बहुत जरूरी था भारत के लिए। मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और सरकार राहुल जी की बनने जा रही है, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई जी, हम तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए रेडी खड़े हैं, और 10 साल से जो जुमलेबाजी की सरकार चल रही थी उस तानाशाही को ख़त्म करके एक स्वराज देश में फैलेगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन आगे आएगा, शिवसेना कांग्रेस के खासदार बनेंगे वहाँ पे, जो पिछले कई महीनों से सालों से वहाँ पे जो सरकार को तोड़ जोड़ करने का बीजेपी काम कर रही है, हर 6 महीने 1.5 साल के बाद में एक खासदार एक आमदार को खरीद फिरौती का काम करके सरकार गिराने का जो काम कर रही है, आने वाले विधानसभा में भी महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और राष्ट्रवादी की ही सरकार वहाँ पे आने वाली है। कांग्रेस दफ्तर में जो है वो जश्न का माहौल है, फिलहाल ये रुझान है, फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है और उसके बाद फाइनल नतीजे आने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। यहाँ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो NDA को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली सरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।